हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घर में पड़े बेकार एक्रेलिक कलर के बॉटल से सुंदर सा शोपीस। इसे बनाने के लिए हम एक्रेलिक कलर के बॉटल को क्लीन कर लेंगे। एक डब्बे में वॉल पुट्टी लेंगे और इसमें सिर्फ पानी मिक्स करके डो बनाएंगे। इसमें किसी भी तरह का ग्लू हम मिक्स नहीं करेंगे। वॉल पुट्टी का डो हम कैसे बनाते हैं, मैंने इसके लिए पहले भी वीडियो बनाया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप अपने हाथों में कोई भी पाउडर लगा लें, थोड़ी सी वॉल पुट्टी लें और हाथों से फैलाकर पूरे बॉटल को कवर करें। ऊपर के पार्ट में थोड़ी सी वॉल पुट्टी रखें और पानी की हेल्प से इसे मिला लें। मिलाने के बाद इसे सूखने के लिए रख दें। ये 1 से 1.5 घंटे में सूख जाएगा। एक प्लास्टिक सीट लें और उस पर थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लें। इस सीट पे थोड़ा सा पुट्टी का डो रख के उसे बेलन या पेन की सहायता से बेल लें। फ्रेंड्स, आप इस सीट पे तेल की जगह पाउडर भी लगा सकते हैं, पर अगर आप पुट्टी को थोड़ा ज़्यादा बड़ा बेलते हैं तो वो सीट पे चिपक जाता है। अगर आप तेल का यूज करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बेलने के बाद प्लास्टिक सीट को हटा देंगे और इसकी लंबी लंबी लरियां काट लेंगे। कटी हुई लरियों को एक दूसरे के ऊपर रख के चटाई वाली डिजाइन बना लेंगे। इसे रखते समय हम पानी की हेल्प से चिपकाएंगे। ये पानी की हेल्प से बहुत आसानी से चिपक जाता है। आप पानी की जगह फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं। हम इसके अनइवन पार्ट को कट कर देंगे और एक दूसरा प्लास्टिक सीट लेंगे और उस पे इसे पलट के एक कटोरी पे रख देंगे। ध्यान दें कि जिस प्लास्टिक सीट पे आपने इसे रखा हो वो मुलायम हो। इसे कटोरी पे रखने के बाद 2-3 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद इसका शेप चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही आसानी से कटोरी से बाहर निकल जाएगा। हमने जिस बॉटल को बॉल पुट्टी से कवर किया था वो सूख गया है, तो हम अब इस पे डिटेलिंग करेंगे। इस बॉटल से हम उल्लू बनाएंगे, तो इसके लिए पहले थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे और इससे छोटी छोटी टिकलियाँ बना लेंगे। इसे हम नीचे वाले पार्ट में फेविकॉल या पुट्टी के गाढ़े घोल से चिपकाएंगे। फ्रेंड्स, बॉल पुट्टी से अगर आप कोई भी क्राफ्ट बनाते हैं तो बहुत ही आराम से बनाएं। आपका एक लेयर सूख जाए तब दूसरे लेयर पे काम करें। बॉल पुट्टी से हम जो क्राफ्ट बनाते हैं वो बहुत ही कम खर्च में बनके तैयार हो जाता है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से थोड़ी थोड़ी बॉल पुट्टी लेंगे और बाकी के पार्ट की भी डिटेलिंग कर लेंगे। हम इसके आँख, कान, नाक, पैर, पंख बना लेंगे और उसे सूखने के लिए रख देंगे। इसी तरह से हम थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे और उल्लू की आंखें बना लेंगे और उसे सूखने के लिए रख देंगे। अब हम उल्लू के पैरों को भी बना लेंगे और इसे भी सूखने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास टूल्स है तो आप उसकी हेल्प से इसे बना सकते हैं। अगर नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम इसके हेड, ईयर और नोज भी बना लेंगे। इसे पानी की हेल्प से प्रॉपर शेप देंगे। सूखे हुए पैर और आंख को थोड़े से फेविकॉल या बॉल पुट्टी के गाढ़े घोल से चिपका लेंगे। अब हम थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे और इसके विंग्स को भी बना लेंगे। टूल्स की हेल्प से विंग्स का स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे।
फ्रेंड्स हमने जो उल्लू बनाया है वो प्रॉपर सूख गया है, तो अब हम इसे कलर करेंगे। कलर करने के लिए सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर लिया है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 3 उल्लू बनाया है, तो मैं तीनों को डिफरेंट कलर में कलर करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो कलर पसंद है आप उस कलर में कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारे एक्रेलिक कलर यूज किए हैं। आप कलर करते समय एक बात का खास ध्यान रखें, जब एक कलर आपका सूख जाए तभी दूसरा कोट उस पर करें। मैंने इस उल्लू को एंटिक लुक देने के लिए ब्लैक कलर करने के बाद रेड मेटैलिक कलर से कलर किया है। मैंने जो रेड मेटैलिक कलर किया वो सूख गया है, तो अब इस पे मैं थोड़ी सी गोल्ड मेटैलिक कलर भी कर दूंगी। इसी तरह से जो हमने बाकी के उल्लू बनाए हैं उसे भी कलर कर लेंगे। मैं दूसरे उल्लू को येलो कलर से कलर कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद है आप उस कलर से इसे कर सकते हैं। इसे मैं और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे ब्राउन कलर से इसे कलर कर रही हूँ। इसकी आँखों को हम ब्लैक कलर से कलर कर लेंगे। हमने जो थर्ड उल्लू बनाया है इसे मैं बस थोड़े से ब्लैक कलर से कलर करूंगी। इसकी आंखों की साइड वाले एरिया को मैं ब्राउन कलर से कलर कर रही हूँ। हमने जो उल्लू रखने के लिए स्टैंड बनाया है इसे भी कलर कर लेंगे। मैं इसे स्काई ब्लू से कलर कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी कलर पसंद है आप उस कलर से इसे कलर कर सकते हैं। इसे और भी सुंदर बनाने के लिए मैं इसके अंदर वाइट कलर से डिज़ाइन बना रही हूँ। हमारा पहला स्टैंड बनके तैयार हो गया है और ये सूख भी गया है। अब जो हमने दूसरा स्टैंड बनाया है इसे भी कलर कर लेंगे। मैं इसे येलो कलर से कलर कर रही हूँ और जो बीच में खाली जगह है उसे मैं ऑरेंज कलर से कलर कर रही हूँ। जो बॉर्डर एरिया है उसे मैं ब्लू कलर से कलर कर लूँगी। तो हमारा ये स्टैंड भी बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स बस थोड़ी सी बॉल बूटी और कुछ एक्रेलिक कलर के खाली बॉटल से हमने इतना सुंदर शोपीस बनाया है। आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना कीमती समय और ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।